friends, today I am going to make kadah parshad, the one which we get in Gurdwara. It's called atte ka halwa. The ingredients for this are 1 cup atta, 1 cup sugar, 1 cup ghee. First of all, we'll make the chashni. For this, add 1 cup sugar and then add 2 cups water. Keep this mixture on the gas. अब इसे उबलने के लिए रख दीजिए जिससे चीनी घुल जाए. तब तक दूसरी कढ़ाई में घी डालिए. और उसमें 1 कप आटा डाल दीजिए. और इसे हिलाइए. इसे धीरे धीरे हिलाते रहिए. जब तक आटा भुन ना जाए. दूसरे गैस पे चीनी पानी में घुल जाएगी. घी को भूनने में, आटे को भूनने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे. इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनिए. ये आटा भूनते को अभी 3 मिनट हो गए हैं और अब ये कुछ कुछ भूनने लग गया है. उस तरफ ये शुगर भी डिसॉल्व होने लग गई है. आप इसे लगातार भूनते रहिए आटे को, जब तक ये डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए और घी छोड़ने लग जाएगा. कड़ाह प्रसाद में कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़ते. ये सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स से बनता है. इसको भूनते रहिए जब तक इसमें से आटा भुने की खुशबू ना आने लग जाए. उधर वो चीनी डिसॉल्व हो गई है तो उसे बंद कर देते हैं. आटे को हिलाते जाइए धीरे धीरे. इसे हिलाते रहिए धीरे धीरे. अब इसमें से थोड़ी बहुत खुशबू आने लग गई है. लग रहा है कि आटा भुनने के नज़दीक है. साइडों से ये थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ने लग गया, आप देख सकते हैं. और इसका रंग भी बदल रहा है. धीरे धीरे इसे हिलाते रहिए. अब लगता है कि आटा भुन गया है. गैस को कम कीजिए और ये चीनी वाला पानी इसमें डाल दीजिए. अब इसे
चाहिए. एक बार ये पतला लगेगा बट धीरे धीरे गाढ़ा होना लग जाएगा. ध्यान रखिए इसमें गांठे मत बनने दीजिए. लीजिए कड़ा प्रसाद तैयार हो गया है. अब इसे सर्व करते हैं. गैस को बंद कीजिए. एक सर्विंग बाउल लीजिए. कड़ा प्रसाद को इसमें डाल दीजिए. ये बच्चों को बहुत पसंद आता है. आप इसे ज़रूर बना के खाइएगा.